बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी किसी कार्डबोर्ड की या किसी भी हार्ड शीट की, एमडीएफ की। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ केक बोर्ड, जो केक के बेस पे लगा हुआ होता है। ये वैसे भी मिल जाता है मार्केट से, और जो हमारे रजिस्टर्स या डायरीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर भी ज़्यादातर यही वाला बोर्ड मौजूद होता है। बेसिकली मुझे ये ज़्यादा पसंद है प्रोजेक्ट्स के लिए, और क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर साबित होता है। अच्छा, हम इसको अपनी मतलूबा शेप में काट लेंगे, और लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आगे चल के ये भी हमारे काम आएंगे। ये आपको समझ आ जाएगी हम इसका क्या करने लगे हैं। ये जो साइज़ है ये ऑलमोस्ट 6x10 है। मैंने एग्जैक्ट साइज़ नहीं लिया, बस जो अंदाजे से मुनासिब लगा प्रोजेक्ट के हिसाब से वो मैंने साइज़ काट लिया। आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, और ना करें इसी तरह की सपोर्ट्स छोटी छोटी से लगा लें तो भी बहुत होगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट मैं लगाऊंगी छोटा सा, इस पर अगर आप चाहें तो जो की हैंगर्स होते हैं ना, हुक्स होते हैं छोटे छोटे से, आप वो लगा के इसको किचन हैंगर भी बना सकते हैं, की हैंगर बना सकते हैं। इनको वाइट ग्लू की मदद से पेस्ट कर दें। जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर या फिर किसी भी बुक के पेपर काट के या किसी कॉपी के पेजेस काट के ग्लू और पानी का जो मिक्सचर है उसकी मदद से हम पूरे पे लगा देंगे। बेहतर होगा कि आप दो लेयर्स लगाएं, क्योंकि एक लेयर में आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से मजबूत नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो शेल्स वाली साइड है उसको हमने बहुत अच्छे से जमाना है अपनी जगह पर। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को हमने कवर करना है। अब बारी आती है छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस बनाने की। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। अच्छा, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले, इससे भी चीज़ें अच्छी बनती हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना ये वाली चीज़ें बनाने में, वो पॉलीमर क्ले में। पॉलीमर क्ले को बस ये मसला है कि उसको बेक करना पड़ता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ता है, लेकिन उसका मेकिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा आसान है। एक तो ये कि वो कलर्ड होती है, आपने अगर कोई दूसरा कलर, अपना मतलूबा कलर हासिल करना है तो आप 2 से 3 कलर को मिक्स कर सकते हैं। उसमें बाद में पेंट करने का मसला नहीं होता, कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहें उसको पेंट, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। दूसरा ये कि वो चीज़ें बनाते हुए ड्राई नहीं होती, उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, तो उससे कोई भी चीज़ बनाना, ख़ासतौर पर मिनिएचर्स बनाना बहुत आसान होता है और बहुत मज़ा आता है बनाने में।
पूरी वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कमेंट में आपको जवाब दे दूँ या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँ। अभी हमारा छोटा सा डेकोरेशन पीस की हैंगर रेडी होने वाला है। आप चाहें तो इससे अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं और इसको तोहफे में भी दे सकते हैं। और यकीन जाने ये जिसको भी आप गिफ्ट में देंगे उसको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर अगेन मैं ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रही बल्कि सिलिकॉन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट ग्लू से भी इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एयर ड्राइंग क्ले है। कोई भी एयर ड्राइंग क्ले बहुत आराम से वाइट ग्लू से जॉइंट हो जाती है, बहुत मजबूत जुड़ती है। आप अगर इसको ग्लू गन से जोड़ेंगे तो कुछ अर्से बाद ये चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए और अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।